सो ये गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फ्री फायर इंडिया के बारे में। हाँ गाइस, वही गेम जो 6 महीने पहले आने वाला था बट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। एंड मुझे पता है मैक्सिमम प्लेयर फ्री फायर इंडिया के बारे में भूल भी चुके होंगे, बट यार ये फ्री फायर वाले कुछ ना कुछ मिस्टेक करके छोटा सा हिंट दे देते हैं फ्री फायर इंडिया के बारे में। एंड गाइस देखो, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट गाइस देखो डेली मेरे को यही कमेंट आते हैं, भाई फ्री फायर इंडिया का क्या अपडेट है, कोई भी छोटा मोटा अपडेट हो तो बताओ। तो गाइस कुछ हिंट निकल के आई है फ्री फायर इंडिया के बारे में और ये ऑफिशियल हिंट होने वाली है, तो वो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एंड इसके अलावा गाइस देखो, OB44 अपडेट में होने वाले टॉप 5 चेंजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे आपकी जो सेंसिटिविटी है ना वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, हमारे गेम के अंदर ड्रैगन आने वाला है और भी बहुत सारे अपडेट है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री फायर इंडिया के हिंट के बारे में। अब देखो सीन क्या कुछ है गाइस, तो फ्री फायर का जो ऑफिशियल वियतनाम का इंस्टाग्राम का हैंडल है ना, उन्होंने कुछ दिन पहले वहां पे एक स्टोरी शेयर की थी एंड उन्होंने पूछा था आपको कौन सा बंडल पसंद है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने 3 बंडल वहाँ पे मेंशन किए थे। बट गाइस देखो, शॉक कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने जो मिडल वाला बंडल है ना, उसमें हमारा जो थाला इवेंट का जो इमोट है ना, हेलीकॉप्टर शॉट वाला, वो वहाँ पे गलती से लीक कर दिया था। अब देखो इससे ये कुछ क्लियर हो जाता है कि जो भी हमारा थाला इवेंट आने वाला है ना, वो इंडियन सर्वर के लिए नहीं बल्कि हर एक सर्वर में आने वाला है, यानी वो बिल्कुल ग्लोबली जो इवेंट होने वाला है इंडिया के अलावा और भी जितने भी सर्वर है ना, वहाँ पर भी आपको थाला इवेंट देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस देखो, जैसी ये बात फैलना स्टार्ट हुई थी ना, उसके कुछ देर बाद इन्होंने स्टोरी को डिलीट कर दिया था एंड कुछ देर बाद इन्होंने दोबारा से स्टोरी को लगाया था एंड जिसमें से वो वाला इमोट था ना हमारे थाला इवेंट वाला, उसको हटा दिया था। अब देखो ये वाली चीज है वो जानबूझ के कर रहे हैं या फिर ये मिस्टेक से हुआ है मेरे को नहीं पता, बट इससे साफ साफ ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारा थाला इवेंट है ना वो ग्लोबली होने वाला है एंड वो काफी जल्द थाला इवेंट आने वाला है। एंड आप विश लिस्ट में भी चेक कर सकते हो, वहां भी थाला इवेंट आ चुका है। अब देखो यहाँ से 2 चीजें क्लियर हो जाती है गाइस, या तो हमारा फ्री फायर इंडिया काफी जल्द आने वाला है एंड उसी के अंदर आपको थाला इवेंट देखने को मिलने वाला है, एंड गाइस किसी रीजन से अगर फ्री फायर इंडिया आने में और ज्यादा डिले होता है तो ये जो थाला इवेंट है ना वो हमारे फ्री फायर मैक्स के अंदर ही आने वाला है एंड ये जो इवेंट है ना वो ग्लोबली आने वाला है, यानी आपको अदर सर्वर में भी ये वाला इवेंट देखने को मिल जाएगा। तो अभी के टाइम में ये अपडेट है फ्री फायर इंडिया की गाइस, ये लास्ट होप ये है कि जो हमारा थाला इवेंट है ना, अगर ये फ्री फायर मैक्स के अंदर आ जाता है तो हमारा जो फ्री फायर इंडिया आने में काफी ज्यादा और डिले होने वाला है। एंड इसके अलावा गाइस देखो, फ्री फायर इंडिया के बारे में एक और हिंट निकल के आई है, जो एडवांस सर्वर है गाइस, एक करेक्टर आया है टेस्ट वो नाम से, तो गाइस वो 99% थाला करेक्टर हो सकता है, वो कैसे गाइस वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। अब देखो गाइस इसके बाद हम बात कर लेते हैं OB44 अपडेट के टॉप 5 चेंजेस के बारे में। सो गाइस देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट नंबर 1 के बारे में। अब देखो अपडेट नंबर 1 होने वाले बेसिकली आपकी सेंसिटिविटी को लेके। अब देखो OB44 अपडेट आने के बाद आपकी सेंसिटिविटी में काफी बड़ा बदलाव होने वाला है। अब देखो सीन क्या कुछ है, अभी के टाइम में आप जो भी सेंसिटिविटी देखते हो तो वहां पे आप मैक्सिमम 100 सेंसिटिविटी तक बढ़ा सकते हो, बट गाइस OB44 अपडेट आने के बाद आप लोग वहां पे 200 सेंसिटिविटी तक बढ़ा पाओगे, यानी आपकी जो सेंसिटिविटी है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका जो गेम है ना वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो ये वाला जो अपडेट है ना वो काफी ज्यादा मस्त होने वाला है, यानी आपके एंड्रॉइड डिवाइस में भी आईफोन जैसी सेंसिटिविटी हो जाएगी एंड आईफोन में पीसी प्लेयर जैसी सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो ये वाला अपडेट होने वाला है आपकी सेंसिटिविटी को लेके। इसके बाद हम बात करते हैं अपडेट नंबर 2 के बारे में। अब देखो अपडेट नंबर 2 में बेसिकली आपको OB44 अपडेट आने के बाद आपको गेम के अंदर ड्रैगन देखने को मिला करेगा। अब देखो ऐसे जो ड्रैगन है ना वो एयर ड्रॉप लेके उड़ा करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस ड्रैगन को खत्म करना है एंड ये आपको एयर ड्रॉप देगा। ये जो ड्रैगन है ना गाइस वो लगभग 1000 डैमेज खाने के बाद पूरा खत्म हो जाएगा एंड जैसे आप 1000 का डैमेज देके इस ड्रैगन को खत्म कर देते हो तो ये आपको एयर ड्रॉप दे देगा एंड इस एयर ड्रॉप में आपको बहुत सारी लूट देखने को मिलेगी एंड इसके अंदर गाइस आपको एक यूनिक ग्रेनेड भी देखने को मिलेगा जिसका नाम ड्रैगन ग्रेनेड ऐसा कुछ रहेगा। अब तो ये वाला जो ग्रेनेड है ना वो नॉर्मल ग्रेनेड से अलग रहेगा, इसकी क्या कुछ खासियत होने वाली है, जैसे आप इस ग्रेनेड को यूज करोगे ना गाइस तो ये ऑटोमेटिक रिंग आ जाएगी एंड जो रिंग है ना वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ती जाएगी एंड इससे क्या कुछ फायदा होगा, कोई भी ऐसी स्क्वाड है ना उसको गाइस ये पूरा आगे बढ़ बढ़ के पूरी स्क्वाड को खत्म कर देगा एंड शायद जो रिंग है ना वो आगे 3 बार बढ़ बढ़ के पूरी फूट के खत्म हो जाएगी। तो ये वाला ग्रेनेड आपको देखने को मिलेगा एयर ड्रॉप के अंदर से। इस बार गाइस हम बात कर लेते हैं अपडेट नंबर 3 के बारे में,
जो होने वाले न्यू गन को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी कोई भी ओबी का अपडेट आता है ना, फ्री फायर वाले एक न्यू गन को वहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस बार भी गाइस एक न्यू गन आने वाली है। ये बेसिकली एक लॉन्चर गन होने वाली है जिसका नाम है FGL-24। अब देखो ये वाली जो गन है ना वो कुछ इस तरीके से चलने वाली है। इसके आगे से आपको फायर देखने को मिलेगा एंड जो फायर है ना वो आपके इनेमी के पीछे लग जाएगा एंड इनेमी को ये डैमेज देता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये वाली गन वर्क करने वाली है। ये बेसिकली लाइक लॉन्चर होने वाली है बट ये लॉन्चर से काफी हटके होने वाली है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कैसे वर्क करती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपडेट नंबर 4 के बारे में। अब देखो अपडेट नंबर 4 में बेसिकली आपको OB-44 अपडेट आने के बाद गेम के अंदर आपको 3 न्यू सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। अब देखो आप जैसी गेम को ओपन करोगे एंड साइड में क्लिक करोगे ना, जहाँ से आपके फ्रेंड्स ऑनलाइन दिखते हैं, आपको ऊपर ही सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पर आपको 3 सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली सेटिंग होने वाली है रेडी टू लॉन्च, सेकंड सेटिंग होने वाली है ऑनलाइन एंड यहाँ पर आपको थर्ड सेटिंग देखने को मिलेगी डू नॉट डिस्टर्ब। अब देखो ये वाली सेटिंग बेसिकली टीम इनवाइट पर होने वाली है, यानी आप जब भी गेम खेलते हो आपके फ्रेंड्स लोग आपको इनवाइट करते हो ना, तो उसके लिए तीनों सेटिंग होने वाली है। एंड इसमें अगर आप रेडी टू टीम सेलेक्ट कर लेते हो तो आप जैसी गेम खेल रहे होंगे एंड कोई बंदा आपको इनवाइट करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगी एंड आप ऑटोमेटिकली उसके ग्रुप में पहुंच जाओगे। ना ही आप खुद से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे ना ही रिजेक्ट करोगे। इस वाली सेटिंग में जो कुछ भी होगा वो ऑटोमेट होगा। एंड गाइस अगर आप ऑनलाइन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको रिक्वेस्ट को मैनुअली रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे आप अभी के टाइम में करते हो। इसके बाद अगर आप थर्ड नंबर वाली सेटिंग कर लेते हो डू नॉट डिस्टर्ब, तो ना ही बंदा कोई आपको इनवाइट कर पाएगा एंड ना ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी इनवाइट की। जो बंदे की इनवाइट है ना वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे फोन में भी फीचर होता है डू नॉट डिस्टर्ब का, अगर इनेबल कर देते हो तो ना ही मैसेज आएंगे ना ही कॉल आएगी। इसी तरीके की सेटिंग होने वाली है। अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल करके फ्री फायर गेम को खेलोगे तो आपको जो फालतू की जो टीम इनवाइट की नोटिफिकेशन आती है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं अपडेट नंबर 5 के बारे में, जो होने वाली है थाला करेक्टर को लेके। अब देखो सीन क्या कुछ, अभी के टाइम में फ्री फायर एडवांस सर्वर में एक टेस्ट बॉय नाम से एक न्यू करेक्टर ऐड हुआ है, ठीक है। अब देखो बेसिकली इस करेक्टर की जो स्किल है ना वो एक्टिव स्किल होने वाली है एंड इसका जो कूल डाउन टाइम है ना वो 15 सेकंड होने वाला है। अब देखो इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है जैसे 80 मीटर की रेंज में अगर कोई बंदा नॉक होता है, चाहे वो आपका एनिमी हो चाहे वो आपका टीममेट हो, जब भी कोई बंदा नॉक होगा तो आपके सामने दो सर्कल आ जाएंगे, एक सर्कल होगा ग्रीन एंड एक सर्कल होगा रेड एंड नीचे आप जैसे अपनी एक्टिव स्किल को यूज करोगे टैप करके तो आप नॉक एनिमी के पास पहुंच जाओगे, चाहे वो एनिमी कहीं भी हो आप दीवार को पार कर जाओगे बट जहाँ पे एनिमी नॉक है ना आप वहीं पे टेलीपोर्ट होके पहुंच जाओगे। तो गाइस ये कुछ इस करेक्टर की एबिलिटी होने वाली है जो कि काफी ज्यादा यूनिक एंड ओवर पावर एबिलिटी है। तो गाइस देखो 99% चांस है कि वाला जो करेक्टर है ना वो हमारा थाला करेक्टर हो सकता है। एंड गाइस देखो सीन ये है, अगर फ्री फायर इंडिया लॉन्च हो गया तो उसमें आपको थाला इवेंट देखने को मिलेगा, अगर फ्री फायर इंडिया नहीं आता है तो हो सकता है फ्री फायर मैक्स में आपको थाला इवेंट देखने को मिल जाएगा। बिकॉज गाइस जो भी कोलैबोरेशन होते हैं ना गाइस वो फिक्स टाइम के लिए होते हैं, जैसे 6 महीने 1 साल के लिए। देखो जो भी गाइस थाला इवेंट का टाइम होगा ना उसी टाइम के अंदर ही इनको थाला इवेंट लाना पड़ेगा, वरना जो थाला इवेंट का जो भी उन्होंने कोलैबोरेशन किया था वो एक्सपायर हो जाएगा। तो हो सकता है फ्री फायर इंडिया ना आए तो हमको फ्री फायर मैक्स में थाला इवेंट देखने को मिल सकता है। तो बस गाइस ये इस वीडियो में, वीडियो को ध्यान से वैल्यू को लाइक कर देना एंड चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।